Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Aaj ki jo video hai, just wanted to talk to you about something, which is under eye care. Under eye, bahut se log care nahi karte. Eyes jo hain, aapki aankhein, unke under jo lines ban jati hain, wo first sign of aging hota hai, as you all know. To उस प्रोसेस को स्लो करने के लिए या वो प्रोसेस को डिले करने के लिए मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी विच आई एम यूजिंग ऑन माय सेल्फ एंड आई वांट यू ऑल टू डू दोज थिंग्स. तो सबसे पहली जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि डूज एंड डोंट्स, कि ये भी करें और ये ना करें अपने अंडर आई के लिए, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंडर आई दे आर हैविंग अ वेरी यंग फेस, उनका चेहरा बिल्कुल जवान होता है बट उनकी आंखों के नीचे जो लाइंस होती हैं उनको एजड शो करती हैं, उम्र में बड़ा शो करती हैं. बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलती हैं, वो द सॉरी वो मेरी नेचर है बोलने की, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको थोड़ा कम कर दूँ. तो आई होप जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को समझ आ रही है. तो अंडर आई जो लाइन्स होती हैं, आंखों के नीचे जो लाइन्स होती हैं, वो आपको बूढ़ा दिखाती हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी आँखों की किस तरह से केयर करनी है अंडर आई की, आज मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगी. सबसे पहली चीज़ देखें, आप लिप्स पे लिप बाम लगाते हैं, फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं, हाथों पे हैंड क्रीम लगाते हैं, आईज़ पे मैंने बहुत से लोगों को देखा है वही फेस क्रीम लगा रहे होते हैं. जब हर बॉडी पार्ट का अलग प्रोडक्ट है तो क्यों आप अपनी आँखों को पे को वो ही चीज़ लगा रहे हैं जो आपकी फेस की गालों के लिए माथे के लिए है. आपकी आंखों का जो अंडर एरिया है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम योर रेस्ट ऑफ द स्किन. आपकी जो फेस पे स्किन है उसके अदर पार्ट से वो बिल्कुल डिफरेंट है. वो स्किन का टेक्सचर ऐसा है कि एक तो उसमें ऑयल्स खुद से प्रोड्यूस होते ही नहीं हैं. जैसे आपकी फेस आप कुछ देर धो लेंगे, धोने के बाद कुछ देर के बाद ड्राइनेस के बाद आपके गाल वगैरह पे एक ग्रीस आ जाती है, अंडर आई में नहीं आती. तो ये बात हमेशा याद रखिए कि आपके अंडर आई में जो ग्लैंड्स हैं ऑयल के वो हैं ही नहीं, तो वो जगह ड्राई रहती है. जब वो जगह ड्राई रहती है तो उसके बाद वहाँ पर लाइन्स बन जाती हैं. वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, माशाल्लाह 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 बहुत नमाजी परहेजगार खातून है, उनके बच्चे हाफिज़ कुरान है. वंस शी वॉज शी वुड बी हार्डली 4-5 ईयर्स ओल्डर देन मी. वंस शी वॉज सिटिंग एंड शी वॉज टॉकिंग टू मी एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हर स्किन, हर अंडर आइज़, उनकी जो अंडर आइज़ थी वो इतनी ज़्यादा रिंकल्ड थी, इतनी ज़्यादा रिंकल्ड थी. और उस पे उसके बाद रिंकल्ड होने के बाद वो अतः के एज में इतनी बड़ी नहीं है बट उनकी आंखों के नीचे लाइंस बहुत ज़्यादा हैं. तो मैंने उनसे वजह पूछी कि ये क्या है, ये आपका फेस बहुत ड्राई है. शी सेड नहीं, मैं शायद मैं फेस बहुत वॉश करती हूँ, लाइक एज यू नो आप वज़ू करते हो, आप नमाज पढ़ते हो, आप आंखों आप फेस वॉश करते हो. तो आई टोल्ड हर कि हाँ करना चाहिए, बट शी वॉज़ वेरी मच वर्ड अबाउट दैट स्किन. शी आस्क्ड मी, मुझे कहती हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे बताओ. फिर मैंने उनको कहा प्लीज़ गो फॉर अ गुड आई क्रीम. जब भी आप वज़ू करें आपने एक ड्रॉप लेके दो ड्रॉप्स आपने दोनों आंखों के नीचे लगा लिया आई ड्रॉप्स आई क्रीम, क्योंकि वो जगह आप जितनी दफ़ा धोएंगे उतनी दफ़ा उसमें ड्राइनेस और बढ़ेगी, क्योंकि वो जगह है ही ड्राई चाहे वो जितनी भी ऑयली स्किन वाले लोगों की हो. तो देन आई रिकमेंडेड 2-3 आई क्रीम्स एंड शी स्टार्टेड यूजिंग इट. तो मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा फेस वॉश कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने अंडर आई को मॉइस्चर्ड रखें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. तो आपने अपने जब फेस के लिए अलग चीज़ ले ली है, लिप बाम अलग ले लिया, हैंड क्रीम अलग ले ली, तो आपने अपने अंडर आई के लिए भी अच्छी क्वालिटी का कोई आई क्रीम लेनी है. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. मैंने बहुत सी खवातीन को देखा है, मैंने इवन जेंट्स को भी देखा है, वो धूप में जाते हैं आंखें पूरी छोटी करके खड़े हुए होते हैं. आई मीन्स नज़र उनको, क्योंकि तो तेज़ धूप होती है आपको वो अफेक्ट करती है, आप आंखें पूरी नहीं खोल सकते. जब आप आंखों को इतना छोटा करेंगे या आंखों पे प्रेशर डालेंगे तो आपके लाइंस तो बनेंगी बनेंगी. तो ट्राई करें वेन एवर यू आर गोइंग आउट, एक अच्छी ग्लासेस का पेयर अपने बैग में रखें. आप जब भी बाहर जाएँ गाड़ी में रखें, आपने ग्लासेस ज़रूर पहननी है, ये बात याद रखें, नॉट आई साइड वाली, सन ग्लासेस.
सन ग्लासेस ज़रूर रखनी है ताकि जब आप सन में जाएं तो आपकी आंखें ओपन वाइड हो, आपको बिल्कुल छोटी करने की ज़रूरत ना पड़े उनको धूप में किसी चीज़ को देखने की। अच्छा, थर्ड थिंग, बहुत से लोगों को मैंने देखा जब वो क्रीम लगा रहे होते हैं, अंडर आई क्रीम, तो बहुत रगड़ रगड़ के लगा रहे होते हैं। बाबा, दैट स्किन इज़ वेरी डेलिकेट, इतनी वो नाजुक स्किन है, अगर आप उसको रगड़ रगड़ के क्रीम लगाएंगे तो उससे क्या होगा, वो डैमेज होगा, और जब डैमेज होगी तो अंडर आई में लाइन ज़रूर बनेंगी। तो प्लीज़ स्किन पे उस जगह हौला हाथ रखें, बड़े प्यार से उस स्किन को जो है ना ट्रीट करें उसको, बहुत बिकॉज वो आपके हाथ नहीं है, वो आपके पैर नहीं है, रगड़ रगड़ते रहेंगे तो वो स्किन जो में चला जाएगी क्रीम। आपने बड़ा प्यार से, बड़े ही कहते हैं ना प्यार से, आपने अंडर आई को जो है ना, ग्रेविटी इटसेल्फ डैमेज कर रही है आपकी स्किन को, ग्रेविटी आपकी स्किन को जो आई डोंट नो ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, जो कशिश है आई थिंक सकल बोलते हैं, तो ग्रेविटी जो कि ज़मीन की तरफ अपने आप को जो ताकत अपनी तरफ खींचती है, वो आपकी स्किन को डैमेज ऑलरेडी कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ, उससे आपकी स्किन लटक रही है। तो प्लीज़ अगर आप अंडर आई को भी बड़े प्यार से वो करेंगे, केयर करेंगे, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं, अगर आप रगड़ रगड़ के करेंगे तो वो ग्रेविटी की तरह ही और डैमेज करेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लोगों को यूज़ करते हुए देखा, आपने जैसे आप एक आई क्रीम आपने हाथ पे ली या इधर इस फिंगर पे ले लेते हैं जी, बहुत उनको होता है कि जी कम लग जाएगा या पता नहीं, आई डोंट नो, इस फिंगर पे लेते हैं, प्लीज़ दिस फिंगर इज़ अ वेरी हार्ड फिंगर, आप अगर इस पे लेके आई क्रीम लगाएंगे इट विल डैमेज, ऑलवेज़ यूज़ दिस फिंगर, ठीक है, रिंग फिंगर जो होती है आपकी, इफ़ यू आर अ लेफ्टी आप इस फिंगर को यूज़ करेंगे, अगर आप राइट से लिखते हैं तो आपने इसको लग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर, आप इसको करेंगे तो आपको फील होगा कि ये बहुत इसका आपकी स्किन पे दबाव है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत जेंटल इसको मसाज करेगा। तो ऑलवेज यूज़ द रिंग फिंगर प्लीज़ फॉर योर आई केयर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बिकॉज आई हैव इंटरेक्शन विद अ लॉट ऑफ पीपल, दे आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कि वो इतनी आई क्रीम लगाते हैं, लाइक सुबह भी थोप लेते हैं, रात को भी थोप लेते हैं, दोपहर को भी थोप लेते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आप आई और क्रीम लगाएंगे, जैसे फ़र्ज़ कर लें आपने रात को आई क्रीम लगा ली आँखों के नीचे, बहुत ज़्यादा लगा ली, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपकी आंखों के नीचे, ये मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, आपकी आंखों के नीचे जो है वो पोर्स बहुत ही, जैसे नॉर्मल आपकी गाल पे पोर्स हैं वो आपको नज़र आते हैं, आपकी आंखों के नीचे के पोर्स आपको नज़र नहीं आते, वो 10 times छोटे होते हैं आपके गालों के पोर्स से। तो जब आप उस पोर को, आपको नज़र ही नहीं आ रहा, तो अगर आप इतनी ढेर सारी क्रीम लगा देंगे तो उसको एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। उसके बाद ये होता है कि जब आप मुझसे लाइक गर्ल की मैंने शी आस्क मी कि मैं जब लगाती हूँ अंडर आई क्रीम सुबह मेरी आंखों में स्वेलिंग हुई होती है, तो उसका तो मुझे और वो होता है, फिर मैं जब फिर मुझे जो है इचीनेस फील होती है, मैं सारा दिन आंखें मलती रहती हूँ। तो सबसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने सिर्फ एक ड्रॉप लेना है या एक छोटा सा ड्रॉप लेना है, आपने लगाना है, देखिए आफ्टर एन आर, एक घंटे के बाद जब आप आई क्रीम लगाती हैं तो आपकी बॉडी टेम्परेचर से वो एब्जॉर्ब तो हो रही होती है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आप कुछ देर के बाद क्या होता है कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उस क्रीम को या उसको और मेल्ट करना शुरू करता है, जब वो मेल्ट होना शुरू जाती है, तो जब आप बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो वो क्या होगा, एक तो आपने आँखों के करीब जो बिल्कुल ही जो आई लैश है वहाँ करीब क्रीम नहीं लगानी, जैसे अब ये आपकी आंख है समझ लें, ये आपकी आंख है, आपने इसके इस साइड पे लगाना है, इस तरफ नहीं लगाना, समझे, ये आपकी लैश लाइन है, आपने यहाँ लगाना है, यहाँ जब ये मेल्ट होना शुरू होगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा या बहुत आंख के करीब होगा तो ये आपकी आंख में जाना शुरू हो जाता है, जब ये आपकी आंख में मेल्ट होके जाता है, क्योंकि मेल्ट होने के बाद चीज़ फैलना शुरू हो जाती है, एक्सपेंड होती है, जब ये आपकी आंख में जाता है तो आपकी आंख को इरिटेट करता है, क्योंकि वो आपकी आंखों के अंदर के लिए नहीं है, वो बाहर के लिए है। उसके बाद ये होता है कि जब आप सुबह उठते हैं आपकी आंखों में स्वेलिंग हुई थी, क्योंकि वो आपको बार बार जो है वो आंसू भी आ रहे होते हैं, स्वेलिंग होने के बाद क्या होता है, आप सुबह आंखें मल रही होती हैं, और आंखें मलने के बाद क्या होता है, आपको लाइंस पड़ जाती हैं आंखों,
सो प्लीज़ दीज वर फ्यू टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी अबाउट अंडर आई केयर. एंड उम्मीद है कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी वो आप लोगों की सॉल्व हो गई होंगी. एंड उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी मालूमाती. एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक माय वीडियो, और अगर इसी तरह की प्रॉब्लम आपकी कोई और फ्रेंड भी फेस कर रही है तो प्लीज़ शेयर माय वीडियोज़ विद दैम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर अ न्यू कमर, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए. आई हैव अनदर कुकिंग चैनल विच इज़ कुकिंग विद एरम, एंड उसको भी सब्सक्राइब करें. वहाँ पर भी आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव कुकिंग की रेसिपीज मिलेंगी. सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.